Assalamu alaikum class here. This is your biology lecture number 10. Today we will revise the chapter number 1 from page number 1 to 7. As you know, our chapter is the human organ system, and in this chapter we studied the two systems. First one is the nervous system and second one is the excretory system. Today we will revise just nervous system, okay? As you know, nervous system consists of central nervous system and peripheral nervous system. And what is the functional unit of nervous system? Nervous system, bache, actually, aisa system aapki body mein, aisa organ system hai jo aapki body mein message ko convey karta hai from one part of body to another part of body. Okay. Who is the carrier which convey the message from one part of body to another part of body? Bache, nervous system has a functional unit known as the neuron. Nervous system has a functional unit known as the neuron, and neuron jo hai wo generate karte hai message in the form of nerve impulse. Bache, ye ek wave of electrochemical changes hai that travel along your body, aur ye message ko ek part se dusre part tak convey karti hai. As you see the structure of neuron, bache, neuron jaisa ki hum padh chuke hain iske kuch parts hain. This part is known as the cell body, which consists of dendrites, nucleus, cytoplasm and axon. ठीक है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का. सेल बॉडी बच्चे कंसिस्ट करती है जस्ट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में, और ऐसी एक्सटेंशंस जो सेल बॉडी से बाहर निकल रही हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये लॉन्ग एक्सटेंशन जो सेल बॉडी से इस तरफ को आ रही है इसको एक्सॉन कहते हैं. ठीक है, इसके ऊपर माइलिन शीट होती है, क्लियर होती है, इनको श्वान सेल्स कहते हैं, जैसा कि हम सब पढ़ चुके हैं. ओके, द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरॉन्स आर डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स एंड सेल बॉडी. बच्चे, डेंड्राइट्स जो हैं वो मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आते हैं. ठीक है, जैसे कि ये आपको नजर आ रही हैं स्मॉल एक्सटेंशंस, ये मैसेज को सेल बॉडी की तरफ लेके आती है. और एक्सॉन ऐसी लॉन्ग एक्सटेंशन है जो कि मैसेज को अवे लेके जाती है सेल बॉडी से. तो सेल बॉडी से मैसेज को अवे कौन लेके जाएगा? एक्सॉन. एंड द थर्ड पार्ट इज द सेल बॉडी, एंड सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. एज यू कैन सी, सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल न्यूक्लियस एंड दिस फ्लूइड मटीरियल इज नोन एज द साइटोप्लाज्म. ओके, नेक्स्ट मूव टुवर्ड द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. एज यू नो कि हमने तीन टाइप्स इसकी पढ़ी थी न्यूरॉन्स की, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स. ओके बच्चे, सेंसरी न्यूरॉन्स ऐसी न्यूरॉन्स होती हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाती हैं. और आपको पता है कि आपके सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं? आईज हैं, नोज है, आपकी स्किन है, आपके एयर हैं. तो ये सब के सब सेंस ऑर्गन से नर्व इंपल्स जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है तो वो किसका रोल है? सेंसरी न्यूरॉन का. ओके बच्चे, इंटर न्यूरॉन्स बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इंटर न्यूरॉन्स पे कंसिस्ट करते हैं. और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पता है आपको ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आ जाते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड. ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटर न्यूरॉन्स? इंटर मींस कि इन दोनों के दरमियान में है, ये इन दोनों को कनेक्ट करवा रहा है. इंटर न्यूरॉन्स कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन्स टू द मोटर न्यूरॉन्स. एंड मोटर न्यूरॉन्स का बच्चे ये फंक्शन है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेके जाते हैं इफेक्टर्स के पास. एंड इफेक्टर्स, एज यू नो, इफेक्टर्स आर कैन बी द मसल्स एंड कैन बी द ग्लैंड्स. ये आपकी बॉडी के मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, जो फर्दर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी में. ओके, नेक्स्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. एज यू नो, एन एडल्ट ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है वो 1.5 kg होता है. ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि ब्रेन में मोस्टली बच्चे कौन सी न्यूरॉन्स की टाइप एग्जिस्ट करती है? इंटर न्यूरॉन्स. ठीक है, तो ब्रेन में कौन से न्यूरॉन्स होंगे? इंटर न्यूरॉन्स होंगे. इसी तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी इंटर न्यूरॉन्स होते हैं. ओके, ब्रेन को अब हम डिवाइड करते हैं, इसके फर्दर थ्री पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, द अपर पोर्शन इज नोन एज फोर ब्रेन, दिस सेंट्रल पोर्शन इज नोन एज द मिड ब्रेन एंड लोअर पोर्शन इज नोन एज द हाइंड ब्रेन. ओके, द पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन आर सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. बच्चे, जैसे कि आपको पता है जब हम ब्रेन पढ़ रहे थे तो हमने इसकी लोकेशन देखी थी. ठीक है, और इनके फंक्शंस देखे थे. जी, सबसे पहले है आपके पास फोर ब्रेन. ये आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है. इन तीनों पार्ट में से सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है वो फोर ब्रेन है. ओके, फोर ब्रेन फर्दर डिवाइड हो रहा है इन थ्री पार्ट्स में. सबसे पहले हम देखते हैं सेरिब्रम क्या है. बच्चे, सेरिब्रम इज द टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर है, एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. ओके, जब हम सेरिब्रम को डिवाइड करते हैं तो बच्चे ये टू पोर्शंस बनाता है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. अब सेरिब्रम कौन कौन से फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये थिंकिंग को कंट्रोल करता है, ये सब आपके वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है. ठीक है, आपकी फीलिंग को, आपके इमोशंस को, देखना, सुनना, परसेप्शंस, आपकी स्पीच या डिसीजन मेकिंग, ये सबके सब फंक्शन सेरिब्रम कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज द थैलेमस. बच्चे, थैलेमस कहाँ पे पाया जा रहा है? ये जो अपर आपको मैंने शो करवाया है ये थैलेमस है. थैलेमस बच्चे ये कहाँ पे होता है? थैलेमस इन साइड द सेरिब्रम. देयर इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड द थैलेमस. सेरिब्रम के अंदर आपको स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस.
थैलमस बच्चे कंट्रोल करता है सेंसरी फंक्शंस को, या आपके तमाम सेंस ऑर्गन से आने वाले फंक्शंस को कंट्रोल करता है थैलमस. नेक्स्ट इज द हाइपोथैलेमस. थैलमस से बिलो जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दिस इज हाइपोथैलेमस. हाइपो मीन्स लोअर देन, हाइपो का मतलब होता है लोअर, नीचे. तो थैलमस से नीचे जो होगा वो हाइपोथैलेमस होगा. ये कौन कौन से फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है. हंगर एंड थर्स्ट, हमें जो भूख प्यास लगती है तो वो फीलिंग हमें हाइपोथैलेमस जो है वो हमें इस मैसेज को बताता है, ठीक है. तो ये आपके इन बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करता है. नेक्स्ट इज द मिड ब्रेन. एज यू कैन सी दिस इज द मिड ब्रेन, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है. ये फोर्थ ब्रेन और हाइंड ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चे. ये सेंस ऑर्गन से आने वाली सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, और इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन जब इसके पास आ जाती है तो फिर ये अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचा देता है, ठीक है. ये मिड ब्रेन है, इसके पास जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन नीचे से आएगी आपके किसी भी सेंस ऑर्गन से, ये अब फोर ब्रेन के किसी भी पार्ट को दे देगा, ठीक है, चाहे वो सेरिब्रम को दे, चाहे वो थैलेमस को दे, या हाइपोथैलेमस को दे. ओके, लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज द हाइंड ब्रेन. बच्चे हाइंड ब्रेन आल्सो कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, सेरिब्लम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. एज यू कैन सी, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया ये सेरिब्लम है. दिस पोर्शन इज नोन एज पॉन्स एंड एम ओ मीन्स के मेडुला ऑब्लोंगेटा इज द लोअर पोर्शन. ओके, अब इनकी हम लोकेशन और फंक्शंस देखते हैं. बच्चे सेरिब्लम इज लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ सेरिब्रम. ये सेरिब्रम के बैक पोर्शन पे प्रेजेंट होता है, ये इसकी लोकेशन है, ठीक है. इट कंट्रोल्स योर बॉडी बैलेंस, ये हमारे बॉडी बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है. इसके अलावा ये प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट, जब हम मूव करते हैं तो ये वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही तरह से हम हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है और वो कंट्रोल करवाता है हमारी बॉडी में सेरिब्लम. ओके, नेक्स्ट इज द पॉन्स. पॉन्स बच्चे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी क्या लोकेशन है. पॉन्स जो है एक ओवल स्ट्रक्चर है, ठीक है. ये ओवल जैसे एग का स्ट्रक्चर होता है वैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. और इसके अलावा ये बीनीथ मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये मिड ब्रेन ऊपर है, उससे नीचे पॉन्स है, और पॉन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा है. तो इसका क्या फंक्शन है, ये हम सोते हैं, हमारी स्लीपिंग को कंट्रोल करता है, स्वेलोइंग, आप फूड को जो है वो हम खाते हैं तो इनटेक करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्वेलोइंग, ठीक है. उसको कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम बैलेंस मेंटेन करता है, हमारे टेस्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है. लास्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. बच्चे मेडुला ऑब्लोंगेटा ये है जो पॉन्स के नीचे आपको नजर आ रहा है. इसका क्या फंक्शन है कि ये हमारी हार्ट बीट, ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करेगा जो कि आपके कंट्रोल में नहीं होते, जैसे कि हार्ट बीट हो गई, ब्रीदिंग हो गई, डाइजेशन, ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है बच्चे, व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन इज स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हैं, बाकी जो है ब्रेन के पार्ट्स काम नहीं कर रहे, तब मेडुला ऑब्लोंगेटा काम कर रहा होता है, क्योंकि ये ऑल टाइम वर्क कर रहा है, क्योंकि इसने सारे बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना होता है. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा हर टाइम आपका काम करता रहेगा जब बाकी जो आपके ब्रेन के पार्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे. नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड. बच्चे स्पाइनल कॉर्ड इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है. ये मेडुला ऑब्लोंगेटा की एक्सटेंशन है, ठीक है. ये आपकी बैकबोन तक जा रही होती है, इसको आपके वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ के हड्डी ने इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ होता है. जैसे मैंने पहले बताया था कि आपकी बॉडी के हर ऑर्गन को एक बोनी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी प्रोटेक्ट करती है. इट इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ द इंटर न्यूरॉन्स, ये भी इंटर न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है, और ये आपकी बॉडी के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है. बच्चे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं इमीडिएट इनवॉलंटरी एक्शंस, जो कि आप सोचे समझे बगैर फौरन से कर देते हो, तो वो कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ द बंडल ऑफ नर्व्स, ठीक है. ये नर्व्स पे कंसिस्ट करता है आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है. बच्चे नर्व एक केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सॉन्स होती है आपकी बॉडी में, ये केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है. और ये कॉमन शीट में एक इनक्लोज शीट में इसको कवर किया हुआ होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल इसकी हमारे पास आ जाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स का हम जिक्र करेंगे. बच्चे ये आपकी नर्व्स जो होती हैं बॉडी पार्ट से नर्वस सिस्टम, आपकी तमाम बॉडी पार्ट से नर्वस सिस्टम तक मैसेज को कन्वे करती हैं, ठीक है. नेक्स्ट है नर्व्स की, यहाँ पे टू टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स. ओके, स्पाइनल नर्व्स एक्चुअली ऐसी नर्व्स होती हैं आपकी बॉडी में जो कि स्पाइनल नर्व्स एक्चुअली अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. ये ऐसी नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही होती हैं, इनको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं. एंड द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड द क्रेनियल नर्व्स, ठीक है. जो ब्रेन से निकल रही होती हैं नर्व्स उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. देर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड देर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू.
नेक्स्ट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, अब हम बच्चे बात करते हैं, ये सारा हमारा ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया, इसका ओवरव्यू हमने ले लिया. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हाउ आवर नर्वस सिस्टम वर्क्स, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, उसका वर्किंग मॉडल क्या है. जी, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है. जी, आप कोई भी अपना एक्शन करते हो बॉडी का, आप किसी गर्म चीज को टच करते हो, आप अपना हाथ फौरन से पीछे कर लेते हो, तो ये सब का सब कौन कंट्रोल करवा रहा है, हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करवा रहा है इस सारी फंक्शनिंग को. जी बच्चे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिसेप्टर. जैसे कि हमने बताया था कि आपके एनवायरमेंट में आने वाला चेंज, आपके एनवायरमेंट में कोई भी चेंज जो आप क्या रिसेप्टर उसको जो है वो रिसीव करता है, उसको स्टिमुलाई कहते हैं. ठीक है, और सिंगुलर इसको स्टिमुलस कहते हैं. चेंज वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जो आपकी बॉडी में फर्दर चेंज प्रोड्यूस करवाएगा या आप रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवो, आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएगा, इसको हम स्टिमुलाई कहते हैं. स्टिमुलाई कुछ भी हो सकता है, हीट हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और साउंड वेव्स हो सकती हैं. नेक्स्ट रिसेप्टर बच्चे, आपकी बॉडी का स्पेशल ऑर्गन, टिश्यू या सेल होता है जो कि स्टिमुलाई को रिसीव करता है. ठीक है, वो आपकी बॉडी की स्किन, आईज, नोज, ईयर रिसेप्टर हो सकते हैं आपकी बॉडी के. ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा, हम देख रहे थे कि हमारा वर्किंग कैसे करता है नर्वस सिस्टम. ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, जो अभी हमने टाइप्स पढ़ी थी, वो मैसेज को लेके जाते हैं. स्टिमुलाई का कोई भी जो मैसेज होगा उसके रिगार्डिंग, ठीक है, वो मैसेज जाएगा आपके सेंसरी न्यूरॉन्स के पास. सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो आपको पता है कि नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज लेके जाती हैं, किसके पास, रिसेप्टर्स के पास. अब रिसेप्टर्स के पास जब मैसेज आ जाता है तो वो किसको देती हैं, नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्दर काम होता है कि वो किसको दे रहा है आगे से. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आके बच्चे मैसेज की प्रोसेसिंग होती है. ठीक है, उसके बाद नर्व इंपल्स ट्रांसमिट कर दी जाती है मोटर न्यूरॉन्स को. ठीक है, सेंसरी इंटर को देगा, इंटर फर्दर किसको देगा, मोटर न्यूरॉन्स को. और बच्चे मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं, उस मैसेज को रीड करती हैं. ठीक है, उस मैसेज को प्रोसेस करेंगी और फिर ट्रांसमिट जो नर्व इंपल्स आई थी आपकी पार्ट ऑफ बॉडी से, फिर वो फर्दर क्या करवाएगा, हम मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाएगा. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मैसेज आया था उसने इफेक्टर को दे दिया, और आपको पता है इफेक्टर मसल्स एंड ग्लैंड्स हो सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आपकी बॉडी में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे मसल्स. जैसे कि आपने गर्म चीज को हाथ टच करके हाथ पीछे किया था तो वो रिस्पॉन्स था आपका. ठीक है, और वो किसने प्रोड्यूस करवाया, मोटर न्यूरॉन्स ने मैसेज दिया इफेक्टर्स को, और इफेक्टर्स में मसल्स ने कॉन्ट्रेक्शन शो करके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाया. जी, तो यहाँ पे आपका वर्किंग मॉडल हो गया नर्वस सिस्टम का. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑन द बुक पेज नंबर 7 इज एक्शंस कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम. कौन कौन से एक्शंस हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इसके टू टाइप्स हैं, वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस. बच्चे वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो कि आप कॉन्शियस कंट्रोल में, आपको समझ बूझ होती है कि आप क्या कर रहे हो, आपके कंट्रोल में जो एक्शंस होते हैं वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं. एंड व्हेन यू आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, या आपके कंट्रोल में नहीं है जो एक्शंस, उनको इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं. ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो बच्चे आप सोच समझ के करते हो, आफ्टर थिंकिंग परफॉर्म करते हो, और इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो विदाउट थिंकिंग, इसमें थिंकिंग की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, आप सोचे समझे बगैर काम करते हो. वॉलंटरी एक्शंस में जैसे हमने देखा था बच्चे रनिंग, स्पीकिंग, ईटिंग, वॉकिंग, क्लैपिंग, ये सब के सब वॉलंटरी एक्शंस हैं, आप अपनी मर्जी से करते हो. और इनवॉलंटरी क्या होते हैं, जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जैसे कि हार्ट बीट हो गई, डाइजेशन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन की मूवमेंट हो गई, आंखों का झपकना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, दीज आर ऑल द इनवॉलंटरी एक्शंस. ओके, अब हमने देख लिया अपना हाफ चैप्टर का ओवरव्यू. नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम नेक्स्ट जो बुक के पेजेस हैं उनको रिवाइज करेंगे.